हेलो कैसे हो आप सब गाइस, आज इस ब्लॉग बना रहा हूँ यहाँ पे टाउन के अंदर। हमने पहले आ चुका है टाउन के अंदर और मेरे दोस्त मेरी जस्ट स्वीट है या फिर बहुत ही बार्गेनिंग कर रखी है पहले के शॉप में, तो उसको अभी तो पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरे शॉप में जाएंगे। और यहाँ पे भी तो एडिडास है ना, ये तो साइड में नहीं, ये वाला नहीं है क्या? ये वाला सिर्फ बैक है शायद। तो एडिडास के शोरूम में जाना है हमको। यहाँ पे कितना ट्रैफिक जाम है, तो किस तरह जाएगा? यहाँ पे जाएगा और इलोरा मार्केट में जाएगा। चल इलोरा? हाँ नहीं नहीं, जो बिलपर था ना, बिलपर में वो बांध जा के जूता देखना है। बिलपर में अगर नहीं मिला तो पता नहीं। यहाँ पे मेरा फ्रेंड को कोला कोला का मिल जाए, कोला ना कोला होता है क्या? यहाँ पे घूम सकते हैं क्या? यहाँ पे घूमना होगा अभी तो उसको बनाना, उनको जाना होगा देखें। तो देख सब एडिटर था, क्या बोला तू? क्या बोला? बिलपर में वो बोला था ना, वो मालूम होगा। तो बिलपर में जाएंगे, यहाँ पे देख लो फिर भी एडिडास के मिलता है क्या कुछ भी? एम आई मेरे को टेम्पर चाहिए था, हाफ पेन मेरे को पसंद लगा भी वो हाफ पेन। अच्छा ठीक है, हाँ सही है, बहुत अच्छा है वो चीज़। तो यहाँ पे भी देख लो ना एडिडास का शोरूम होता है कि नहीं। यहाँ पे सोनी या कुछ विशाल में तो नहीं मिलेगा। यार बहुत धूप है यहाँ पे और हम लोग निकल चुका था यहाँ पे थोड़ा टाउन के लिए सामान लेने के लिए, और मेरे को भी काम करने के लिए थोड़ा यहाँ पे, यानी कि थोड़ा ऑफिस का काम था मेरे को। यहाँ पे बहुत सारा सामान है, ये पूरा टाउन है, पूरा टाउन के टाउन है। हाँ इसको पता नहीं यार, हमारा पॉलिटेक्निकल का है ये बंदा है, हमारा पॉलिटेक्निकल का पता नहीं टाउन में क्या कर रहा है। यहाँ देखा है साइकिल के शोरूम क्या ये मालूम है? बिलपर, बिलपर बहुत दूर है भाई, ग्रीन पार्क नहीं है, बिलपर बहुत दूर है, अभी भी बहुत दूर है। तो मेरे को भी एक बेल्ट खरीदना था यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले डिफेंसिस करेंगे। आज लगता है ट्रैफिक ज़्यादा कम है, फिर भी हमेशा यहाँ पे तो पूरा फुल फ्लैट होता है क्या? विशाल में लेगा क्या? विशाल में लेगा क्या? मेरे चल ना तू, दिल पर। अच्छा बाद में मत कहना कि मैं फिर से आओ बोलते हूँ, मैं टाउन में नहीं आ सकूँगा। हाँ ठंडा पिलाऊंगा तेरे को, थोड़ा जोर से बोल यार। यहाँ पे देख रहे हो भाई लोग कितना शोरूम है और कितना आदमी लोग यहाँ पे जा रहा है, सब अपना काम में जा रहा है, कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहा है, कोई ऑफिस नहीं जा रहा है, सबको तो पता नहीं है। ये सिल्चर सिटी, हाँ यार यहाँ पे भी जाने का से यार पता नहीं लगता। चलो यार फिलहाल आज सेक्रीफाइस कर दिया ताकि बैटल ग्राउंड खेलने से, तो अच्छा है कि आज थोड़ा शायद घूमूंगा और हमारा एग्जाम भी फिलहाल बाकी है, इसलिए ब्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ सच से। सची मुची मैं बात कर रहा हूँ, सो मैं अच्छे से ब्लॉग यहाँ पे अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पे ब्लॉग शूट करने का भी मेरे पास बहुत सारा कैमरा नहीं है, तो एडोब प्रीमियर प्रो का मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ। उसका एक वीडियो एडिटर को भी और शायद DSLR भी आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे फिर से जाम लग गए, देख सकते हैं भाई लोग बहुत ही जाम लगे। पीछे जाओ भाई, पीछे जाओ, यहाँ पे गाड़ी स्टॉप हो गया था। अभी तो जाम लग गया है यार, ओह माय गॉड। नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो फिलहाल गाड़ी बहुत जाम है यहाँ पे, आगे जा नहीं पा रहा हूँ। तो आज ये डेट है, आज का डेट है, मैं बता देता हूँ। परसों भर का है, हाँ परसों, आज है हमारा 18 जून,
तो एग्ज़ाम भी फिलहाल ख़त्म होने वाला है, 19 को आखिर ख़त्म हो जाएगा हम लोग का, उसके बाद रोज़ ब्लॉग आएगा और शूट करूँगा हम यहाँ से, और मेरा वीडियो एडिटिंग का भी प्रो वर्जन आएगा नया, तो उसको भी हम एडिट करने वाले हैं। तो फिलहाल बहुत यहाँ पे देख नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, और बहुत ही नॉइज़ है यार, सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से, पता नहीं मेरा माइक किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे फिर भी नया कैमरा जब आने वाला है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और नए कैमरा के साथ मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट करूँगा, नया नया कुछ देखने को मिलेगा आप लोग ऑडियंस को भी। सबसे के लिए सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि हर नए अपडेट को आप लोगों को मिलता रहे। यहाँ पे कोई आने का इरादा नहीं था ज़्यादा, यहाँ पे मेरा कुछ ऑफिस में काम था, और मेरा फ्रेंड को भी एक एडिटर को कुछ ऑर्डर दिया था, उन्हें उनको लेना था, बिल्कुल सामने। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट फ्रॉग, पता नहीं किसने देखता है कि नहीं, और सब अपने रास्ते में जा रहे हैं। पता मत, दूसरा सिटी से बहुत अलग ही है यार, यानी कि इतना जाम है गाड़ी में, देख रास्ता इतना छोटा है और बहुत ही जाम होता है। देखो कहीं पे बहुत जाम लग गया, तो इसको डी मॉडिफाइड। हाँ नाइस, तो यहाँ पे काफी देखो पान कार्ड ऑफिस मेन टाउन का, अभी नहीं जाऊँगा भाई मैं तो, अभी रोज आऊँगा नहीं तो, अभी जाने से इतना देख कितना ट्रैफिक है, कितने जाम है भाई। हाँ फिलहाल अभी मौसम कुछ ख़राब है और बारिश भी आ सकता है यहाँ पे, हमको अभी घर जाना चाहिए हम लोगों को, तो अभी घर जा रहे हो या फिर तू ना कुछ ऑफलाइन में सामान ले लेता तो अच्छा हो जाता, या फिर एडिडास को कुछ शोरूम यहाँ पे ढूंढ लो पहले, ज़रा ऑनलाइन तो नहीं होगा मुझे पता है। तो फिलहाल अभी रूम में जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पर बैटल ग्राउंड स्टार्ट करूँगा, वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करूँगा, और यहाँ पे रूम में तो आके लाओ कुछ यहाँ पे, और सोचा मैं और एफ आर एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करना है हम लोगों को, पढ़ना है हमको। ओ ओ ओ तो गाइस इसका जो टाइटल आने वाला है, तो ये टाइटल है व्हेन द ट्रैफिक जाम इन सिलचर, सर ट्रैफिक यहाँ पे सिलचर में कितना जाम हो रहा है आप देख सकते हो खुद ही यहाँ पे, और फिलहाल मौसम ख़राब है, और सबसे वजह है उसका रास्ता जो इतना छोटा है और व्हीकल बहुत ज़्यादा है। तो ये है डिसअपॉइंटमेंट फॉर दिस एरिया और सिटी, कभी यूट्यूबर ने शायद ये मतलब ये फुटेज भी दिया होगा, लेकिन मैं हाथ के थोड़ा दे रहा हूँ क्योंकि देख रहे हैं। तो आज मैंने एक प्लान है जो इसे वीडियो में देखा है, जो बहुत सारा ऑनलाइन डिलीवरी के लिए बहुत ऑनलाइन डिलीवरी के लिए बहुत जज किया है, तो हाँ उसका ऑफिस एक्चुअली उसका ऑफिस है नहीं मुझे पता है किस तरफ है, और ऐसा ऑनलाइन सामान खरीदना बहुत ही रिस्की होता है, जैसे कि आप कैश ऑन डिलीवरी दिया तो ठीक है, अगर सामान आता है तो ठीक है, पर आप ऐसे उसको पीछे मत लगेगा, वो आपके पैसा को भी किसी खा सकता है, और आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी देगी कि आपका हाँ क्या बोलो आपको वेस्टेज हो सकता है, आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आप खुद भी आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। और देखो क्योंकि पहले जो हम लोगों ने मेरा फ्रेंड देखा था, तो मेरा यानी कि गाड़ी का तेल कितना वेस्टेज हो गया, तो ऐसा ही बहुत कुछ होता है, लेकिन ऑनलाइन सामान आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा आदमी की इन्फॉर्मेशन लोगों को पूछ के भी कोई फायदा नहीं होता है, ऐसा कोई मिलता नहीं है कि आपको उसके बदले में आपको सामान को आपकी ऑनलाइन की कोरियर तक पहुँच जा सके, ऐसा कोई होता ही नहीं। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरा बार अटैम्प्ट कर लो, दूसरा बार ट्राई करो, और अगर अच्छे ब्रांड का है अच्छी कंपनी का है आ जाओ। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस संभाल रहा है, ट्रैफिक पुलिस संभाल रहा है अपना समाज के राइट करें, बहुत गर्मी तो गर्मी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो भाई, और एडिडास का कुछ है क्या, बहुत दिन के बाद सामने शूट कर रहा हो यार, कुछ रिएक्शन तो देखना ही पड़ता है, तो दस हाथ 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 दिखा यार, इंडिकेटर नहीं है गाड़ी का,
यहाँ पे किनारा लगाए तो ठीक है भाई। तो अभी चला जाए क्या, यहाँ से कुछ खरीदना नहीं है क्या? और भाई बोल, मैं तो जा रहा हूँ सीधा। यू गाइस, दिस लेडी गोना ट्राइंग टू स्कूटी एंड इज गोइंग टू, आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग आउटसाइड बाई, लेट्स गो। आज तो यानी तो बहुत दमदार शूट किया है। स्वागतम सिलचर लोकसभा अब निर्वाचित होगा, पता नहीं है। बाढ़ना गाड़ी है, बहुत ही अच्छा गाड़ी है, इतना लंबा गाड़ी है, जैसे रास्ता छोटा है ट्रैफिक को कवर नहीं होगा इतना। तो ये जा रहे हैं फिलहाल हम यहाँ पे चले थे क्या यार, इस ब्लॉक के चक्कर में मैं तो मर ही गया था यार। ये होता है कैमरा की तरफ से ध्यान था मेरा, तो ठीक है, बहुत ही अच्छे से बाइक को हम संभालते हैं। थोड़ा रख चलाते हैं आप, देखो फिर से यहाँ पे ट्रैफिक जाम जाम लगा लगा हुआ है। अगर नया कैमरा आ जाए ना तो शानदार, बहुत ही एक्साइटेड हूँ नया कैमरा के लिए। सो गवर्नेंस ले जाते, ये हमारा कॉलेज का स्टूडेंट है, देख सकते हो बहुत ही अजीब असम असम लेडी, आई डोंट नो, लेट्स गो। पूरा रास्ता ही जाम है यार सिलचर में, ऐसा दिन ब दिन अगर गाड़ी बदला जाएगा तो क्या होगा यार। वैसे में फ्री माइंड चलाने के लिए कोई नहीं है, टाउन जाने से ही मूड खराब हो जाता है हम लोग का। मुझे देखो भाई लोग यहाँ पे स्पीड किया था पहले, पुलिस है यहाँ पे, ये देखो भाई कितना गाड़ी पर्सन लेके स्कूटी में जा रहा है भाई। खुद का सामान है या दूसरे का सामान पता नहीं है, लेकिन बहुत भारी भरकम लेके जा रहा है। ठीक है, सब क्रॉस कर देते हैं अभी चलते। ओह माय गॉड, फिर से एक बार जाम। देखो 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 भाई लोग, देखो एक के साथ एक के पीछे गाड़ी लगा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस थिंग, इज गोना बी असम सबसे डिफरेंट कंपनी, व्हाट अ कंपनी इज दिस। ये ऑटो वाला देख रहा था मैं, वीडियो तो बनता ही है काफी। मेरा प्यार मेरा प्यार, मैं जितना तुम्हें चाहूं। तो जो जो मेरा ब्लॉग के लिए बहुत इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, तो दिल खोल के सुन लो भाई लोग, ब्लॉग आ चुका है और अभी से कंटिन्यू करूँगा, ब्लॉग आने वाला है। वाओ, अच्छी खासी अनारस, इसे क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल। ओह नाइस, वेरी वेरी नाइस पाइनएप्पल। इस बार इस दिस ईयर आई डिडंट टेस्ट, मैंने टेस्ट नहीं किया है पाइनएप्पल को, टेस्ट नहीं किया, लेकिन टेस्ट करूँगा अपना मैरपुर से स्टार्ट करूँगा टेस्ट करना। यहाँ पे देखो डेकोरेशन चल रहा है, डेकोरेशन है, एक से गाड़ी लेके जाएगा फिर शादी भी दीजिएगा। ओके भाई, अभी ये क्या है भैया, बिल्डिंग क्या है रे? बहुत ही बड़ा डासू बिल्डिंग है, कल पे कलर भी बहुत पसंद आया मेरे को। वाओ, ये गाड़ी चल रहा है, आगे हम लोग। ओ मैन, दिस इज अ डस्टी मैन, और क्या है ये टुकटुकी व्हीकल, दिस इज इतना स्पेस, इज लेस स्पेस, कम स्पेस लेता है ये गाड़ी, लेकिन स्लो है भाई। चलो हमको जल्दी आगे निकलना है और अपना घर जाना है।
ओह कितना माटी 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 कितना दूर है अभी तो यहाँ पे नजारा नहीं लगे तो हम अभी बेबी हॉस्पिटल में कहा जा रहा सुबह लगने लगे दिल चाहते यहाँ पे पेट्रोल पंप है जो हर वक्त पेट्रोल नहीं रहता है खाली रहता है यहाँ पे मेरे फ्रेंड को मिला था एक तो उसको यहाँ पे इशारे दे दिया कि ना हम मस्ती में घूम रहा है कहाँ है कहाँ पता नहीं तो बाइक पे यहाँ पे स्टंट करने के लिए नहीं गए हो भाई यहाँ पे ब्लॉग बिछा रहा हो पर हम जाएंगे अपने घर में सीधा तो इस तरह से थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा ये है हम लोग का बाजार यहाँ पे जो हम लोग बाजार करते हैं यहाँ पे और ये है बीरबल बाजार नाम है यहाँ पे बहुत सारा मडी है बहुत सारा कीचड़ है बारिश था यहाँ पे पर वॉइस क्वालिटी अच्छे से नहीं आ रहा है यानी कि मेरे को नया खरीदने कैमरा खरीदना ही पड़ेगा उपाय नहीं है यार नया कैमरा कब खरीदूँगा पता नहीं बजट नहीं हो रहा अभी तक GoPro तो खरीद के रहूँगा यार इस तरह से जस्ट सीधा फिलहाल मैं अपने घर जा रहा हूँ फिलहाल मैं अपने घर जा रहा हूँ बाइक को बहुत बेचैन देख लिया यहाँ पे करके छोड़ दूँगा तो पहले नहीं मिलेगा बाद में जिंदगी ना मिलेंगे दोबारा आ रहा अपना घर में आ चुका है यहाँ पे छत में मैं चाहता हूँ कि मेरे बाइक को अंदर घुसन दे तो मेरा अभी नहीं क्या बाय बाय जैसे गाड़ी चटा बच्चा गाड़ी चला गया फिलहाल मैं जो करने रहता हूँ ये घर ही वाला तो आप खुद ही देखते हैं ये रहे मेरे घर मैं जरा पापा करके दिखाऊंगा बैठ तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ तय किया था कि मेरा फ्रेंड भी आएगा यहाँ पे फ्रेंड आके यहाँ पे कुछ पार्टी वगैरह भी करेंगे यहाँ पे कुछ ये देखिए सामने ये मेरा गैरेज है यहाँ पे मतलब हम लोग गाड़ी वगैरह कुछ रखते हैं यहाँ पे फिर हाँ तो बाइक पे यहाँ पे स्टे कर दिया और ऊपर से बारिश भी आ गया था तो हम बस छोटा भैया ऑटो चला गया मेरी गर्ल बारिश भी आ चुका है हम लोग को पूरा बात करने जाएंगे थोड़ी देर बाद